नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नगर संग्राम, और आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में निकाय चुनाव दो चरणों में होने हैं, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां जरा तेज हो गई हैं। दरअसल यूपी में 4 मई और 11 मई को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और 13 मई को निकाय चुनाव के दोनों ही चरणों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो इसी बीच हमारी टीम लगातार हर एक क्षेत्र में पहुंच रही है, हर एक वार्ड में पहुंच रही है, साथ ही साथ लोगों से समर्थन भी मांगने का प्रयास कर रही है। तो वही इस दौरान जब हमारी प्राइम टीवी की टीम आगरा पहुंची, तो वहां हमारी मुलाकात कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद कासिम से हुई। मोहम्मद कासिम की अगर हम बात करें तो ये वार्ड नंबर 52 से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वार्ड नंबर 52 मंटोला से ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कई सालों से ये कांग्रेस के लगातार सक्रिय सदस्य भी रह चुके हैं। वही मोहम्मद कासिम जनता के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया है। यही वजह है कि जनता का भरपूर समर्थन भी इन्हें लगातार मिल रहा है और जन समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार ये अपनी आवाज को उठाते आए हैं। और कोरोना महामारी के दौरान भी ये लोगों की सहायता के लिए लगातार तत्पर थे। यही वजह है कि लगातार ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। तो वार्ड नंबर 52 मंटोला से अपनी दावेदारी पेश कर रहे कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद कासिम हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद कासिम, पहले तो प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद कासिम जी, आप कांग्रेस के लगातार एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं और अब पार्षद प्रत्याशी भी बनाए जा चुके हैं, तो आपको पहले कैसा महसूस हो रहा है? मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं उस पार्टी का प्रत्याशी हूँ जिसे देश की आजादी के लिए हिस्सा लिया गया। ठीक है कासिम जी, अगर जनता का भरोसा आप पर पूरा है और अगर जनता आपको चुनाव जिताती है, तो आप कौन कौन से मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे? सबसे पहला मेरा जो है साफ सफाई को लेकर है। हम अक्सर देखते हैं वार्डों में कोई भी सफाई का कार्य नहीं करता, नालियां सड़ी पड़ी है, कीचड़ बन जाती है, कीचड़ पड़ने से मलेरिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं, डेंगू के बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये साफ सफाई का सबसे पहला उद्देश्य है मेरा। अच्छा कासिम जी, जब मैं इस क्षेत्र के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि इस क्षेत्र से सपा के जो प्रत्याशी हैं वो रह चुके हैं और जनता का उन्हें समर्थन मिला था, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं किया। तो ऐसे में आप जनता को किस तरीके से भरोसा दिला रहे हैं कि जब आप चुनाव जीतेंगे तो आप जनता के बीच हर एक वक्त मौजूद रहेंगे? जो पिछले पार्षद रहे हैं, इस बार जिस जमीन में जा रहे हैं वो गरीब उनको नकार रही है, भगा रही है, और मुझे उम्मीद है जो मुझे इस बार सुन के भेजेंगे तो मैं काम करूंगा। और काम इसलिए भी करना है मुझे क्योंकि मैं अभी क्षेत्र में रहता हूँ, मैं क्षेत्र की सारी समस्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और काम भी इसलिए करूँगा कि मेरी राजनीति की शुरुआत है। अगर मैं आज अच्छा काम कर रहा हूँ तो अगले 5 साल बाद जब मैं दोबारा से प्रत्याशी के रूप में रहूँगा तो मुझे जनता का इससे ज़्यादा सहयोग और सम्मान मिलेगा। ठीक है मोहम्मद कासिम जी, अभी लगातार आप कांग्रेस पार्टी के सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य उसके रूप में काम करते हैं, तो आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है राजनीति में वो कैसी रही है? 2012 में मैं NSY से जिला महासचिव के इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद मैं आज उत्तर प्रदेश सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ NSY से, और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने क्षेत्र से पार्षद के चुनाव जीतकर कांग्रेस का हाथ मजबूत करूंगा। ठीक है कासिम जी, कांग्रेस ने आप पे एक अहम जिम्मेदारी दी है कि आप पार्षदी का चुनाव लड़े और समर्थन भी जनता का प्राप्त करें, लेकिन अक्सर अभी भी जनता का ये माइंडसेट होता है, कहा जाए कि अगर उनका प्रत्याशी जीत जाएगा तो वो 5 साल के बाद उनके क्षेत्र में 5 साल तक उनके क्षेत्र में आएगा ही नहीं, तो आप ऐसे में जनता को भरोसा किस तरीके से दिला रहे हैं? मैं छोटा हूँ इस पर, इन सारे प्रत्याशी जो इस टाइम लड़ रहे हैं मेरे वार्ड में उन सबसे छोटे उम्र का हूँ, तो मैं लोगों से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं आपके क्षेत्र में रहता हूँ, अगर मैं आपके काम नहीं आता हूँ या नहीं आ पाता हूँ, तो आप मेरा हाथ पकड़ के जरूर अपने कामों के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, जब चाहे आप मुझे गप से जहाँ से भी पकड़ के लिए आना चाहे अपने कामों को करवा सकते हैं। ठीक है मोहम्मद कासिम जी, अभी आपने जिक्र किया कि आप उम्र में सभी प्रत्याशियों से छोटे हैं, तो क्या लगता है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपके लिए चुनौती है? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है क्योंकि पहले उनको पार्षद रह चुके हैं, 10-10 साल दोनों पार्षद रहे,
और उनका विकास पूरी जनता जानती है। मैं नया चेहरा हूँ और सभी लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं, मेरे यूथ मेरे साथ है, बुजुर्ग मेरे साथ है, आप देख रहे हैं समर्थन कितना अच्छा मिला है, हर वर्ग से हर समाज से मुझे समर्थन मिल रहा है। वो भी चाहते हैं कि नया हूँ, नया चेहरे को लाएं जो शहर के लिए, देश के लिए, छात्र के लिए काम कर सके। ठीक है कासिम जी, तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों में आप सबसे छोटे हैं, और जब आप प्रचार के लिए जनता के बीच जाते होंगे और जब जनता का भरपूर समर्थन आपको मिलता होगा तो आप कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? गर्व महसूस होता है मैम बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे साथ यूथ के साथ साथ युवा युवा और बुजुर्ग भी है, महिलाओं का भी समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिला। आशीर्वाद लोगों को मिलता है तो एक सम्मान बढ़ जाता है इंसान का, आत्मविश्वास बढ़ता है मेरा। ठीक है मोहम्मद कासिम जी, जो आपके पहले जो पार्षद रहे हैं, जिस भी पार्टी के रहे हो, उन्होंने काम नहीं कराया, तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे या आपको अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं कौन सी लगती हैं? सबसे प्रमुख समस्या है हमारे क्षेत्र में नाला है, और बारिश जब भी होती है तो उसमें पूरा पानी भर जाता है, पानी भरने से लोगों को घर में जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है नाले की साफ सफाई का, ताकि पानी की निकासी हो सके, लोगों के घरों में पानी ना भर सके, और पानी जब भर जाता है तो टोरेंट पावर की जो लाइन है अंडरग्राउंड होती है, करंट का बहुत ज्यादा खतरा फैल जाता है, जान हानि का भी नुकसान हो सकता है। ठीक है कासिम जी, 2012 से आप लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस से जुड़ने की प्रमुख वजह क्या रही है, कि आप किस कांग्रेस की जो नीतियां है उससे प्रभावित हुए, कि आप लगातार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते आए हैं? राहुल गांधी जो है इस वक्त देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई ऐसे दूसरे सदस्य नहीं है जो इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी वजह से सारा यूथ उनके साथ है, युवा जितना भी है हर इंसान चाहता है देश के लिए अच्छा से अच्छा हो, लेकिन आज कोई देश के लिए हित में कोई काम नहीं करने वाला। राहुल गांधी जी जिनको अगर चाहे उनका तो सब कुछ है, वो किसी को दोष के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे तो अपने आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए बिल्कुल लड़ते हुए आ रहे हैं और लड़ ही रहे हैं, और इसी के उन्हीं से हमें प्रेरणा हासिल करी है और हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं को मजबूत करने के लिए हमने हाथ बढ़ाया और हाथ पड़ता है। अच्छा कासिम जी, आप अपनी राजनीति में आने का श्रेय किसको देते हैं? श्रेय मैं अपने सभी साथियों को देता हूँ, जब मैं कॉलेज में था मेरे सभी दोस्तों ने मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का, और आज ही मेरे सारे दोस्त मुझे आगे प्रेरणा दे रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे, साथ बढ़ा रहे। मेरे साथ मेरे सारे दोस्त हैं, भले से सभी पार्टियों से हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो आपने बताया कि आप राजनीति में आने का श्रेय अपने दोस्तों को देते हैं जिन्होंने लगातार आपको आगे बढ़ाया, लेकिन आप राजनीति का रोल मॉडल किसे मानते हैं, जो आपके हिसाब से रोल मॉडल हो आपका? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जो आपके रोल मॉडल है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि काफी सारी समस्याएं हैं, और यह आपका क्षेत्र होगा जहां पर आपने अपना बचपना देखा, जहां पर आप बड़े हुए हैं, और जब उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? मैम इससे पहले भी कई बार पार्षद आ चुके हैं, हमसे वादे करते हैं और हर बार वादे पर झूठे साबित हैं, मैं उसमें से उम्मीदवार भी था, इसी बात पे मैंने वो जो वादे जो झूठे जाते हैं इस वादों को लेकर मैं जनता के बीच में आ रहा हूँ, वो वादे पूरे करके दिखाना है मुझे, इसी बात इनके साथ मैं इस मैदान में चुनावी उतना जुट रहा हूँ। ठीक है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये भी देखा कि आपने कोरोना के टाइम पे भी लोगों की बहुत मदद की है, तो किस तरीके से आपने लोगों की मदद की ये भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। कोरोना का एक ऐसा काल आया था जिसमें लोग अपनों से भी दूर हो रहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी अपने बस्ती मोहल्ले के जो लोग परेशान थे खाने पीने से और भी समस्याओं से, मैंने उनके घर घर जाके सेवाएं की, बहुत से लोग हॉस्पिटलों में एडमिट थे, उनके लाखों के बिल थे, उनमें मैंने चिकित्सा अधिकारियों से मिल मिलकर उनके बिल फ्री कराए, उनको कोरोना काल में जो हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किए गए थे उनके जाके जाके उनके खाने के पीने का इंतजाम कराया, रमजान का महीना भी चला था उसमें शहरी का अफ्तार का भी इंतजाम कराया था मैंने। ये तो काफी सराहनीय काम था जो आपने कोरोना काल में लोगों के लिए किया, लेकिन मोहम्मद कासिम जी, अगर जनता पर भरोसा जताती है तो आप महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ करेंगे? मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो पैसों के वजह से पढ़ा नहीं पढ़ाते हैं उनका ये है, सबसे पहले बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलाने का, नगर निगम द्वारा CBSE बोर्ड में 8वीं क्लास तक की बच्चों की शिक्षा फ्री है, लेकिन किसी भी लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है। मैं सभी बच्चों को खासतौर से अपने बस्ती मोहल्ले के बच्चे जो पढ़ा नहीं पाते हैं, फीस इतनी महंगी होती है सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम है, उन सबको बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलाने का काम करता हूँ। ठीक है कासिम जी, सरकार द्वारा तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जाती है जिससे लोगों का विकास हो,
तो आपके मुताबिक क्या आपके क्षेत्र की जो जनता है उन तक वो योजनाएं पहुंच पाती हैं, क्या वो उन योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं? ये मैम यही जो नगर निगम की है, सरकारी योजनाएं चलती हैं, ये पार्षद एमएलए एमपीओ का काम होता है जो जनता तक ही पहुंचा है, बिल्कुल। लेकिन ये योजना पहुंचते नहीं है। जी और इसी को मैंने इरादा बनाया है कि जो सेवाएं जो सरकार देती है, योजनाएं चलाती है हर यूथ को और महिलाओं को, बुजुर्गों के लिए साथ साथ बताएं, जैसे पेंशन योजना होती है, विधवा पेंशन होती है, बेरोजगार भत्ता होता है, रोजगार स्कीम होती है, सब सभी जनता के बीच में रखनी है, पहुंचानी है, घर घर पहुंचानी है। ठीक है, किस तरीके से आप इन योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचाएंगे? एक बार मौका मिलेगा तो मैं नगर निगम से जब सुना जाऊंगा तो मैं जितनी भी योजना है नगर निगम के सरकारी योजना अपने बराबर कार्यालय बनाऊंगा, वहां पर लोगों को बुलाऊंगा, समस्याओं को सुनूंगा और जितनी भी स्कीम है उनको घर घर पहुंचाने का काम करूंगा। ठीक है कासिम, जब निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ रही है और अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो ऐसे में आपने प्रचार के लिए रणनीति किस तरीके से तैयार की है कि आप आगामी कुछ दिनों में आप प्रचार किस तरीके से करेंगे? मेरे सभी दोस्त मेरे साथ हैं, मैं कुछ ही दिनों आज शाम को बैठ के हम सब बैठ के रणनीति बनाएंगे, जिसमें डिवाइड वाइड पार्टी टीम बनाएंगे, चार चार लोगों की टीम बनाएंगे जो हर गली गली में जाकर मेरे लिए हम काम करेंगे। ठीक है कासिम जी, जनाधार की मैं आपसे बात करूं तो जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो आपको देख के कैसी होती है? लोग खुश हैं, पहले भी लोगों के पहले जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी लोग उससे त्रस्त हो चुके हैं, भाजपा से सबसे ज्यादा त्रस्त है महंगाई को लेकर, लोग कांग्रेस को दोबारा से अपनाना चाहते हैं, दोबारा से हाथ आना चाहते हैं, इसलिए लोग मुझे भरपूर समर्थन दे रहे हैं। ठीक है कासिम जी, अभी आपने जिक्र किया कि आप सभी प्रत्याशियों में सबसे छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आपसे उम्मीदें भी काफी ज्यादा होंगी, और जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और आप भी एक युवा हैं, तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या आपकी रणनीति होगी? युवाओं के लिए सबसे पहले जो सरकार द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता होता है वो दिलाना, लोन योजना होती है वो तक पहुंचाना, सब पे काम किया जाता है। ठीक है मोहम्मद कासिम जी, अगर जनता का जनाधार आपको मिल जाता है और अगर आप 13 मई को विजय घोषित कर दिए जाते हैं, तो वो प्रमुख दो काम हमको बताइए जो आप सबसे पहले करेंगे। सबसे पहला प्रमुख काम जो मेरा बाटा, मैंने संकल्प लिया, मेरा संकल्प मेरा बात, हमने अभी आगरा में देखा ये फतेहाबाद जब हम जाते हैं तो एक ऐसा लगता है कि हम आगरा में ही नहीं है, मेरा संकल्प मेरा ये है कि मैं अपने वार्ड को सब उन 100 वार्डों में से सबसे अच्छा वार्ड बनाऊं, जो 99 वार्ड आते उस वार्ड को देखे। ठीक है, यानी कि आप अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे, लेकिन किस तरीके से आप उन रणनीति पर काम करेंगे? रणनीति मेरी तय बना रखी है, पूरी इसकी प्लानिंग है, बस एक बार जनता का समर्थन और प्यार मिला और पूरा बहुमत से विजय होकर है, उसके बाद हम पूरी तैयारी से हमने प्लानिंग कर रखी है हमें किस तरह से काम करना है। ठीक है अब कासिम जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि निकाय चुनाव काफी नजदीक है और बहुत कम दिन का समय बचा है, तो ऐसे में आप प्राइम टीवी के माध्यम से आप जो वहां की जनता है, जो हमारे दर्शक है, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? मैं जनता से बस एक ही अपील करना चाहता हूँ, आप जो प्रत्याशी मैदानों में हो आप उन सबको मौका दे चुके हैं, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अपनी राजनीति का पहला करियर शुरू कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं चाहता हूँ मुझे मौका दें, मुझे अपनी राजनीति आगे तक करनी है तो मैं शहर में अपने क्षेत्र में काम करूंगा और मेरी राजनीति का आगे स्कोप आगे इसका सेकंड स्टेप बनेगा, मैं अच्छा काम करूंगा, जनता से साथ उम्मीद करता हूँ जनता मुझे सुने ताकि मैं काम कर जाऊँ, ताकि मैं आगे आने वाले चुनावों में भी हिस्सा लूँ कर सकूँ। बिल्कुल मोहम्मद कासिम जी, हमारी शुभकामनाएं भी लगातार आपके साथ है, क्योंकि बतौर युवा आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी युवा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है तो लोगों को उससे उम्मीदें बहुत होती है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि जब हमारी टीम आगरा पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात एक युवा प्रत्याशी से हुई जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वार्ड नंबर 52 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मोहम्मद कासिम, जो युवा प्रत्याशी हैं और जो सभी प्रत्याशियों में सबसे छोटे हैं, और सबसे छोटे प्रत्याशी के तौर पर लोगों को काफी उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि जब भी कोई युवा चुनावी मैदान में उतरता है तो वो नए जोश के साथ और नए माइंडसेट के साथ चुनावी मैदान में उतरता है। तो नगर संग्राम की हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।